अरे मम्मी यार 45 सेकंड मम्मी जीत गई। काते काते रो रही। लो मम्मी इतना सारा सामान ला दिया। बाबरी बाबरी बाबरी। देखो क्या है, देखो उठा नहीं पा रही है। भाभी दिखाएंगी। क्या दिखाई? दो पकड़ दे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी भाभी ना हर दिन सुबह भाभी पूजा कर लेती, नहा धोवा के पूरा फ्रेश हो जाती है और मेरे लिए स्पेशल क्या करती है पता है? बटर लगा के देती है। रोटी में बटर लगा के देती है। यस, खाइएगा तभी तो ताकत होगा। ताकत बहुत है, मोटा नहीं है। मोटा नहीं। मोटा हो जाइएगा, मोटा करने के लिए बटर लगा रहे हैं। देख रहे, इस तरह का दो था, मतलब आधा के जी करके दो था, एक तो खत्म हो गया, एक लास्ट इतना बचा हुआ है। इतना सही बचा है, वही ना कल परसों तो खत्म कर देंगे। हाँ गजब बोले, लेकिन कल परसों तक ही खत्म कर दे। इधर आलू पराठा है, इधर पूरी है, इधर भिंडी का सब्जी है जो भाभी का फेवरेट है ना। ये फेवरेट है मेरा। मैं भुजिया इसका ज्यादा खाता हूँ, सब्जी मैं भाभी के चलते खा लेता हूँ। क्या प्यार से बनाती है, तो फिर समझ रहे हो ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना। हाँ गया। हम लोग अभी नाश्ता कर रहे थे और मम्मी भी नहा करके आ गई इधर। मम्मी तो चावल खा रही है लेकिन हाँ, और साथ में ये क्या रख लिए? क्या है वो? आटा पिसाएगा, इसीलिए साथ में रख लिए कि कोई लेके भाग ना जाए। हैं? या उसको भी खाने का प्लानिंग कर लिए? छत पे चढ़ा देंगे, हाथ में दर्द होगा। तो दोस्तों अभी मैं और भाभी जा रहा हूँ रील्स बनाने के लिए, ठीक है। अभी नहा के आए थोड़ा इसलिए पसीना लग रहा है। मैं और भाभी अभी रील्स बनाऊंगा, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में आपको दिख जाएगा, सेम आईडी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। भाभी को गुलाब करूंगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ रील्स बना रहे हैं तो मम्मी देख के हंस रही थी पूरा। दिखा दिखा इधर चेहरा दिखा, थोड़ा मुस्कुराई है जरा, पूरा हंस रही थी। है ना, चलिए बनाते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा यहाँ भी दिख जाएगा स्क्रीन में, और जाके रील्स में देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम में जाके अपलोड में कर दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। दोस्तों मैं किचन आया तो सारा इतना सारा बर्तन देखा, सारा गंदा रखा हुआ था, और भाभी मम्मी दोनों रेस्ट कर रही थी, रील्स बनाए हम, और भाभी तो थोड़ा थक गई तो वही रेस्ट करने गई। तो मैं सोचा उन लोगों को क्या डिस्टर्ब करें, मैं ही जाके थोड़ा सा बर्तन था तो उसी को मैं सोचा कि अच्छे से थोड़ा धो देता हूँ, क्योंकि किचन में इस तरह गंदा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, मेरे घर में किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा किचन थोड़ा साफ़ सुथरा लगता होगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ठीक ही लगता है। इसी तरह सारा मैं धो दिया, लेकिन जब भी मम्मी और भाभी घर में रहती है तो मुझे तो धोने नहीं देती है, बट मम्मी भाभी जब नहीं रहती है तो अकेले मुझे सारा काम करना होता है। बट कोई बात, अभी रील्स बनाए मैं और भाभी थोड़ा देर पहले, तो भाभी मम्मी अपना रूम में जाके थोड़ा लेट गई है, हमको लगता सो गई होगी। मैं किचन घुसा था तो देखा बहुत गंदा है, मतलब बर्तन बहुत सारा हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं धो दिया। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, उधर कुछ काम है तो चलते हैं मार्केट। मैं तो अभी फ़िलहाल बाहर जा रहा था लेकिन मम्मी छत पे लिखा गई, यहाँ पे गेहूँ पसारी हुई है, वही बोल रही है उठा करके थोड़ा रखना अंदर, क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश भी आ जाएगा। और इधर मड़ुआ भी पूरा सूख गया है, दोनों को रखना है। पकड़ो मम्मी, वो तो कल ही ना धोई थी। आज क्या, चलो कहाँ रखना इसको, डालो डालो ऐसे ही डाल देना, चलो। हाँ तो छोड़ दो, कल ही करेगी, नहीं होगा। हो गया, इसको पिसवाने ले जाएंगे मम्मी, उसको मतलब उसमें जो रहेगा कचरा फचरा ना उसको मम्मी हटा देगी, उसके बाद मैं पिसवाने ले जाऊंगा इसको। हो गया, लग पार में लग पकड़ी, चलो। अरे टूटेगा नहीं ना ये वाला। फिलहाल दोस्तों मैं अभी मार्केट आ गया हूँ, मार्केट से एक झोला खरीद लिया, क्योंकि घर में भी झोला थोड़ा सा फट गया था ये वाला, तो सोचे यहीं ले लेते, इधर सब्जी मिल रहा है, मम्मी बोली कुछ सब्जी लेने तो झोला लेना पड़ा मुझे। और आज हमारे घर में कुछ चैलेंज होने वाला है, उसके लिए तैयारी करना है, मेरा भाभी और मम्मी का चैलेंज होगा, तो क्या क्या अभी लेंगे चलो देखते हैं।
फिलहाल दोस्तों सब्जी मंडी में अभी आ चुके हैं तो सब्जी लेने के लिए, मम्मी बोली सब्जी लेने के लिए, तो इतना सारा सब्जी है अब जितना मेरे को दिख रहा है मैं ले ले रहा हूँ। आज सब्जी बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है, बहुत ज्यादा सस्ता हो, 20-30 रुपए ऐसे किलो हो गया, और दूसरे दिन 40-50 ऐसे किलो मिलता था। और मैं भी घर जाऊंगा, घर में हम लोग का कुछ चैलेंज होने वाला है। आधा केजी 1 केजी करके दे दीजिए दो जगह। तो दोस्तों अभी मार्केटिंग मेरा पूरा हो गया, पूरा झोला भर लिया, मम्मी तो देख के ही खुश हो जाएगी। आज आम भी ले लिया पूरा झोला भर के, पूरा सस्ता मिल रहा है, लेकिन सभी को सस्ता मिल रहा है। बस अभी मैं घर जाऊंगा और हमारे घर में होने वाला है आज, मजा आ जाएगा, कंपटीशन होगा आज, कंपटीशन। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी घर पहुंच गया हूँ। लो मम्मी इतना सारा सामान ला दिया, देखो बाबरी बाबरी देखो क्या है, देखो उठा नहीं पा रही है, भाभी दिखाएंगे क्या दिखाई, दो पकड़ दे रहे, धन पकड़ दे रहे, बहुत भारी, हम लोग भी दो आदमी मिलकर इसको पकड़े थे, देखे ना निकालो, देखो देखो बैठिया बैठिया आराम से बैठिया, सरल पचार है वो, देखो तो, अरे ये वो सरल है, एक वो सर गया, लेकिन इसका हम नहीं देखे थे, बाकी एक भी कोई सड़ा वो नहीं है, एक लेकिन दबा गया, मम्मी सड़ा नहीं था, देखिए दबा गया, बहुत टाइट हम लिए थे, दबा गया, निकालते जाओ, ये है गुपचुप, अच्छा भाई लो, गुपचुप नहीं बनेगा वो, कल बनेगा गुपचुप, हमसे कोई दुश्मनी है क्या आपको, ये 8:30 बज गए, लोग 7-8 बजे, लोग 7 बजे 6 बजे नाश्ता करता है, गुपचुप वगैरह खाता है, 9 बजे आए हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, चुप रहिए। ये जानती हूँ मम्मी, आज सब्जी ना सारा सब्जी सस्ता था, सारा सब्जी सस्ता, झोला झोला नहीं भरा है अभी, तो उठ नहीं रहा था, पूरा सब्जी अभी सस्ता था मम्मी, पूरा सब्जी सारा सब्जी 20-30 रुपए किलो, सारा सब्जी, ये जो देख रही है 40 रुपए दिन मिल रहा था, आज 20 रुपए किलो, ये तुम्हारा 30 रुपए किलो, और खीरा 20 रुपए किलो, खीरा हो गया, और मैं पटल मात्र 20 रुपए किलो, सारा सब्जी 20 रुपए की, आप कुछ बने खाएगा, अभी आप आम खाएगा, अभी रोटी खाएगा, क्या क्या खाएगा, सारा मैं खाऊंगा, ऐसे भी मुझे भूख लग गया, आज दिन में मैं खाना नहीं खाया, सुबह में जो नाश्ता किया था बस, और मैं दिन में खाना ही नहीं खाया, खाना तुम ये खाई, और आपको खुशी नहीं मिला आपको, अच्छा एक बात बताओ, पता चला कि आपको आपको और आपको खुशी नहीं मिला, मैं सारा बर्तन साफ कर दिया, सारा धो दिया, और क्या सारा आर्यन बर्तन धोया, हम बोले क्या आर्यन बर्तन धोया है, तो हाँ वो बर्तन धोया है, मुझे हल्के में क्यों ले लेता है, वैसे में हल्का सारा बर्तन धो दिया। तो दोस्तों ये फुचका का पानी घर में हम लोग बनाए मैनुअली, साथ में चोखा, अब फुचका अभी छना रहा है जो कि आपको देखने को मिलेगा, इसका होगा कंपटीशन, मेरा भाभी और मम्मी का तीनों का कंपटीशन होगा, कौन सबसे ज्यादा खा सकते हैं, आर यू रेडी, यस। तो आप मेरा फुचका छना रहा, ये देखो जाते ही एक बार चार आ जाएगा, वाह देखिए और बड़ा, उसको पलटिया ना दूसरे साइड से, ये छोटा है उसको पलटिए, हाँ ये नई बात, अब होगा बड़ा, कुछ नहीं वैसे ही होगा, अभी लाल करना पड़ता है वरना पचक जाएगा, ओके बोले लाल करना है, आज हम चारों के बीच में हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कंपटीशन अभी एक मिनट खाली, एक मिनट में 5 फुचका खाना है, एक मिनट में 5 नहीं, एक मिनट में खाना, ये लो इतना खाओ, चलो अभी स्टार्ट करें, ठीक है टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट, गो, हाँ स्टार्ट हो गया, हाँ तो चालू है फुचका खाना, इधर टाइम बढ़ा है 6 सेकंड, एक खा लिया है, होममेड फुचका, आराम से आराम से, तीस सेकेंड अभी तक एक ही हुआ है किसी का, अभी दो हुआ है, तीनों किया है अभी तो, अरे ये तो एक है, बबलू जीत जाएगा फिर, बबलू मम्मी जीत गई, मम्मी पहले खा चुकी थी।
अच्छा चीटिंग करी मम्मी है। 45 सेकंड मम्मी जीत गई। नेता जी जीत है तो जीत गई। खाते खाते रो रही है। चलो मम्मी तो जीत गई। टाइम हो गया तुम्हारे, 1 मिनट से ज्यादा हो गया। तुम सेकंड। हम 5 ही पूछ गए। पहला आर्यन चीटिंग किया। आर्यन किधर? मेरा जीत रही है। मेरा मम्मी से निकालो की थी। चैलेंज लगा हुआ था 5 फुचका खाने में, जो जीतेगा 5 फुचके के बदले 5 रुपया, तो 5 रुपया मम्मी को मिलेगा। नहीं लेकिन मम्मी जीत गई मानते हैं, लेकिन मम्मी रो गई है, हमको ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मम्मी रो गई है, हमको ठीक नहीं लग रहा। मैंने तीखा है पोछ लियो आंसू भरा। पापा धीरे धीरे खा रहे। पर भाई कॉम्पिटिशन के चक्कर में हम अपना पेट कहीं खराब कर। और भैया तो कंपटीशन में नहीं आए थे, बट लेकिन सच बताएं मानते मम्मी जीत गए, लेकिन और खाने मन करूंगा। अरे ओ बहुत माल है इसमें भी, मजा आ गया। लेकिन झाल जानबूझ के दिया मम्मी। तुम बोलती ना हमेशा सर्दी नहीं होता नहीं होता है। आप सर्दी में चावल भर दो तो वैसे के वैसे निकल जाएगा। लेकिन पापा किसी से कुछ नहीं बोलेंगे जब तक खत्म नहीं करेंगे। चुप चाहे माथा नीचे करके जाओ, तुम लोग जितना बकर बकर करना करते रहो, हम अपना मारे भैया है ना। मम्मी लेकिन खाने से दो तीन पहले, मतलब कंपटीशन से पहले भी मम्मी 2-3 खा के रखी। मम्मी 3 तो खाए, एक को ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, समझ सकते तुम्हारा तकलीफ को, हम ही समझ सकते, कोई नहीं समझेगा। समझी इतना का ही पेट नहीं भरा। जीते के चलते हम कम खाए, मार मार ज्यादा ना भरते हैं, सिर्फ पानी डाल के तो मार ली। सच सच सामने आ गया, इसीलिए हम जीते। मम्मी तुम कंपटीशन में चीटिंग कर ली, लेकिन उसके हिसाब से तो विनर मैं। मम्मी झूठ बोली, नीचे गिरा। बढ़िया पापा के को लास्ट बचे। लो पापा खा लिया, और कितना खाएंगे? अभी खाना भी खाना है सभी को। कौन खाना है? लो चटनी तो टेस्टी कर देंगे। क्या करके? टेस्टी करके खाओ खाओ। इसमें बहुत आज पानी लेके मस्त बना, मजा आ गया। फिर काम ना बापा। सिर्फ जलजीरा वगैरह है, चाट मसाला जलजीरा वगैरह है, नींबू भी है। हाँ नींबू भी है, नींबू भी मजा आ जाएगा। लेकिन तो पानी मिला के पी लो। लेकिन जो भी है भाई बहुत मजा आया, फुचका और रहता तो ज्यादा मजा आता। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानबूझ के कम छनवाए ना, कि खाना भी खाना है थोड़ा थोड़ा भी ना, इसलिए है ना। अब बाद में हम लोग को लगा ना कि सबको खाएंगे नहीं, लेकिन हमको क्या पता सब घर में डके। चलो बहुत मजा आया। लेकिन चलो अभी सभी को हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना कमेंट में प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।